जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम कर रहे थे अभी, आपने बड़ा अच्छा म्यूजिक सुना मुनव्वर तैफी साहब से, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर ए समद और हम उनके साथ यील्ड साइंसेस पे बात कर रहे हैं। तीन दिन से हम जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। और जनाब यील्ड साइंसेस, पहले तो हम डॉक्टर साहब को वेलकम कर लेते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं खुद ही शुरू होने लगी थी। मैंने सोचा कि तीन दिन में मैंने डॉक्टर साहब से क्या क्या सीखा है, जरा मैं भी लोगों को बताऊं। नहीं, आज बड़ा एंजॉय किया और आपने बड़ी मस्त सिंगर्स को बुलाए, माशाल्लाह इनवाइट किए हुए थे। जी बिल्कुल, मुझे तो सारा पंजाब और अंदरूनी सिंध सब कुछ याद है, बलूचिस्तान। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा तो आपका भी, आपका कौन सा फेवरेट गाना है वैसे? मैं बहुत सारे गाने, मुझे तो सभी पसंद है, सारे पसंद, म्यूजिक कोई भी हो पसंद है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये देखिए, बाय नेचर जो नेचर जो हमारे चल रहे कई हजार साल से, वो ये जो आज जो सिंगर्स थे इनका वही नेचुरली जो हमारे शुरू से चलता आ रहे हैं यही है। अभी तो जरा सा चेंज हो गए काफी सारे, लेकिन जो पुराना म्यूजिक है वो पुराना ही है, वो तो आपको बहुत डीप में ले जाते हैं। बिल्कुल सही है। चलें जी, हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते अब, और हम जीव साइंसेस के डेप्थ में जाते हैं। और हमने जी स्कूल्स पढ़े थे, स्कूल्स ऑफ, इसके सेवन स्कूल्स हैं, स्कूल्स ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, स्कूल ऑफ हीलिंग एनर्जी, स्कूल ऑफ माइंड साइंसेस, स्कूल ऑफ योगा, स्कूल ऑफ मेडिटेशन, स्कूल ऑफ मैग्नम पावर एंड स्कूल ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट। जी सेवन। अच्छा, इसमें हमने जो है वो पहले पढ़ा था स्कूल ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन जी, और फिर हमने पढ़ा स्कूल ऑफ हीलिंग एनर्जी जी, और आज जो है वो हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या बता रहे हैं लोगों को, कौन से स्कूल के बारे में? स्कूल ऑफ माइंड साइंस। स्कूल ऑफ माइंड साइंस, ठीक है, चलें जी। तो स्कूल ऑफ माइंड साइंसेस के बारे में आज हम जानेंगे प्रोफेसर ए समद से। प्रोफेसर साहब, क्या है स्कूल ऑफ माइंड साइंसेस? क्या स्कूल ऑफ माइंड साइंसेस में बायो प्लाज्मिक माइंड आते हैं, और जो है दूसरा जो है ना PMBL, द पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेजेस, और बायो एनर्जी आता है, बायो माइंड पावर आते हैं। और इसमें एक कोर्स है जो कि समझ माइंड के नाम से मेरे स्टूडेंट सिखाते हैं दूसरे ममालिक में, ये हैं। और फिर ये सलवा मेथड आते हैं, और दूसरा जो है NLP आते हैं। स्कूल ऑफ माइंड साइंसेस जो है इसमें एक बहुत नए मैंने टेक्निक्स बनाई है, मैंने काफ़ी रिसर्च किए इस पर, इसमें नए नए टेक्निक जो बायो माइंड है, बायो प्लाज्मिक माइंड है, और इसमें है PMBL, द पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेज। मकसद ये आम नहीं है, लेकिन इसमें बड़ी बेहतरीन टेक्निक्स है जो कि हम माइंड को किस तरह के इस्तेमाल करें, माइंड को किस तरह हम यूज़ करें, उसकी माइंड पावर की इस्तेमाल किस अच्छी तरीके से, पॉजिटिव तरीके से आपकी ज़िंदगी में किस तरह की चेंज लाएं, माइंड पावर। माइंड पावर एक दुनिया है। वैसे तो हम जब माइंड को देखते हैं, ये कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, और जो इसकी वेव है बेटा, थेटा, डेल्टा और अल्फा वेव, लेकिन ये नहीं, माइंड जो है एक पूरा दुनिया है। माइंड एक ऐसी दुनिया है जिसकी दुनिया में जाकर उतनी बड़ी दुनिया, उतनी वसी दुनिया है नहीं। जब हम माइंड पे स्टडी करते हैं तो जहन इतना वसी दुनिया है और इसमें इतना वसत है, और इसकी दुनिया जो है लामहदूद है, लेकिन हम इसे चुन के नज़र नहीं आता, ये चीज़ें माइंड नज़र नहीं आते, इस वजह से हम इसको महदूद कर देते हैं। जहन जो भी हम करते हैं, चाहे इंसान माँ के पेट से लेकर आखिरी सांस तक, इंसान माइंड से ही काम देते हैं। जो भी आप करते हैं ज़िंदगी में, वो तमाम के तमाम माइंड का काम है। और जिनके आप, पास नहीं होता ऐसा कोई शख्स नहीं है जिनके पास माइंड नहीं है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को ये पावर्स दी हुई, लेकिन माइंड सबके पास है। कुछ जो जिस हम कहते हैं कि जिसके पास माइंड नहीं है
वो नेगेटिविटी में आ जाते हैं, यानी जो लोग नेगेटिव यूज करता है अपने माइंड को वो वाकई ऐसा होता है जिस तरह जैसा कि किसी के पास माइंड नहीं है, या हम समझते हैं कि जिसके पास नॉलेज नहीं है, जो हम कहते हैं कि जाहिल, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि इसके पास माइंड ही नहीं है। माइंड सबसे बड़ी पावर उनके पास होता है, जो हमारे पास है, जो किसी के पास है, जो समझदार इंसान के पास है वो नासमझ के पास पे है, लेकिन नासमझ उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं और समझदार इस्तेमाल करते हैं। इस तरह नेगेटिविटी में भी माइंड इस्तेमाल होती है। माइंड आपको दो रास्तों से बताते हैं कि आप पॉजिटिव वे और नेगेटिव, दोनों आपको, दोनों पे ताकत देते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला हमें ताकत देते हैं, ये दोनों पावर हमें दी हुई है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों पावर्स दिए हुए हमें। तो नेगेटिव पावर जो है, जो जो कोई शख्स इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं कि इसके पास जो है ना वो, या दिमाग नहीं है, या हम कहते हैं कि इसका बड़ा अच्छा माइंड। कुछ लोग तो कहते हैं कि जब आप नेगेटिव पावर का इस्तेमाल करते हैं बड़ा तेज है वो, बड़ा शार्प माइंड है उसके, और ये, लेकिन ये शार्प नहीं होते हैं, वो नेगेटिव अपने पावर को इस्तेमाल करते हैं। शार्प माइंड और ज्यादा और बेहतरीन और बेस्ट माइंड जो होती है वो पॉजिटिव लोगों के पास होते हैं, जो पॉजिटिव काम करते हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं, जो हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ रागब होते हैं, उसे कहते हैं पावर, माइंड को इस्तेमाल करना। और माइंड का जो एनर्जी है, माइंड का जो पावर है, वो सबसे ताकतवर है, हमारी बॉडी में सबसे ताकतवर हिस्सा जो है वो माइंड है, जिसके जरिए हमारे अगर आप माइंड ना करें जी तो एक कॉलर ले ले। बिल्कुल बिल्कुल ले। एक कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है? सबा बात कर रही हूँ। सबा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। सबा क्या पूछेंगी? मैं पूछना चाहूंगी कि मैंने वेबसाइट पे विजिट किया था HMF के बारे में, जो उसमें ये था कि आप अपने रिलेशनशिप जो है वो बेहतर बना सकते हैं। डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि हम अपने रिलेशनशिप कैसे बेहतर बना सकते हैं? जी बिल्कुल, HMF से 100% आप अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्सेस है जो आप इस्तेमाल करते हैं, और आपके माइंड को भी वो बड़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, माइंड पावर के आपको इंक्रीज करते हैं, और जो आपके माइंड की जो अल्फा वेव है उसको इंक्रीज करते हैं, जो आपको रिलैक्स भी करते हैं और सुकून देते हैं। आप सही फैसले करते हैं, सही प्रोग्रामिंग करते हैं, माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं, लाइफ को सही प्रोग्राम करते हैं, इसकी वजह से जो है आप अपने ज़िंदगी में और अपने चेंज ला सकते हो, अपने रिलेशंस को बेहतर बना सकते हैं। हेलो हेलो जी सबा, सबा आई होप कि आपको आंसर मिल गया आपका। जी कोई और सवाल है सबा, आप कुछ और पूछना चाह रही हैं? हेलो जी सबा, हेलो आपको आवाज़ आ रही है? जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, HMF है क्या, जरा डॉक्टर साहब डिटेल से बता सकते हैं? HMF है क्या? ठीक है जी, आप डिटेल से सुनिए। थैंक यू आपने कॉल किया। और तो नहीं कुछ पूछना आपको? ओके थैंक यू, बहुत शुक्रिया। HMF मीन ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्सेस, ये एक वाहिद तरीका है जिसे आप हम अट्यूनमेंट देते हैं, अट्यून करते हैं लोगों के मैग्नेटिक पावर को, और वो महसूस करते हैं और अपनी जिंदगी में चेंज ले आते हैं। माइंड और मैग्नेटिक पावर बिल्कुल अलग चीजें हैं, लेकिन ये जुड़ी भी हुई है, अलग अलग पावर, लेकिन ये माइंड के साथ इसका गहरा ताल्लुक है। कि ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्सेस जो है, इसको अच्छी तरीके से, मैग्नेटिक पावर को हम जब एक्टिव करते हैं, उसके एक्टिवेशन करते हैं, यानी उसके अट्यून करता है उसको, HMF के मेथड से मुख्तलिफ किस्म के, तो माइंड काम करना शुरू, माइंड भी अच्छी तरीके से काम करना शुरू, आपके सोच के साथ फिर आपके मैग्नेटिक पावर काम करते हैं। बड़ी मज़े के एक सब्जेक्ट है ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्सेस, और पहले दिन में आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाते हैं, आपके कॉन्फिडेंस डेवलप होती हैं, एक बड़े पुरसकून लाइफ गुजार लेते हैं इंसान में, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस को
फील करने के लिए, महसूस करने के लिए, उसे अचीव करने के लिए हमें हम इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्सेस HMF। तो हम बात कर रहे थे माइंड साइंसेस पे, माइंड क्या है। माइंड एक ऐसी दुनिया है कि हम माइंड के जरिए सारी जिंदगी चलते हैं और माइंड के जरिए हम सब कुछ करते हैं। माइंड के तीन साधे बताए जाते हैं, बल्कि कुछ चार बताए जाते हैं, कुछ दो बताए जाते हैं, लेकिन बहरहाल जितने भी इनके माइंड के जो जितनी भी पावर है या जितने भी पार्ट्स है, उसमें से जो कॉमन है वो है कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, जो ज़्यादातर यानी साइकोलॉजी में जो पढ़ाए जाते हैं, और दूसरा जो है उसमें है कि एक साथ ज़मीर भी बताया जाता है कि मसलन शऊर, तातुर शऊर, ला शऊर और ज़मीर जो मरा हुआ है जो आजकल सबका मरा हुआ है, अल्लाह ना करे सबके ज़मीर अच्छे हैं, लेकिन बस सिस्टम और ये प्रॉब्लम्स और ये सारा कुछ जितना भी है ये गलत है। वो डॉक्टर साहब यही होता है ना कि नेगेटिविटी जो है वो आपके हावी हो जाती है जी, आपकी पॉजिटिव चीजों पे। असल में हमारा जो ज़मीर जिसे कहा जाता है, असल में ज़मीर के नाम से कोई चीज या है या नहीं, लेकिन हम अपने पावर्स को नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसे हम मरे हुए ज़मीर कहते हैं कि इसकी ज़मीर मरा हुआ है, इसको कोई किसी चीज का परवाह ही नहीं है। अब देखें, एक चोर या एक जो भी है डाकू, कोई भी ऐसे शख्स है या जो नेगेटिव, सब जो नेगेटिव करता है वो सभी डाकू है, डाकू भाई, सभी चोर है। जो नेगेटिव अपने माइंड को इस्तेमाल करता है तो वो सब चोर है, डाकू है। जो नेगेटिव माइंड को इस्तेमाल करता है वो अपने सलाहितों को समझता नहीं है, इसलिए वो अपनी ताकतों को समझता नहीं जो अल्लाह ताला ने उनको दिए हुए हैं। उसकी वजह से वो हम कहते हैं कि इसकी ज़मीर नहीं है या इसकी ज़मीर मरा हुआ है। वो लोग कॉन्फिडेंस की कमी का शिकार होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होती है कि अपने लाइफ को बेहतर से बेहतर बना सके, ताकत से वो अपने पॉजिटिव वे से अपने जिंदगी को बेहतर से बेहतर बना सके। डॉक्टर साहब, ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो के ऊपर से बजाहिर बहुत अच्छे नजर आ रहे होते हैं, बड़े स्वीट और बड़े मतलब बड़ा के जी, बड़ा गुडी गुडी सब है, लेकिन अंदर से वो उनका जो है ना वो काम होता है कि ये दूसरों के लिए बुरा ही सोचना है, बुरा ही करना है और ऐसा कर रहे होते हैं, उनके उनका माइंड जो है उसको क्या कहेंगे हम? बिल्कुल होता ऐसे है। देखिये, जो माइंड को नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं लोग, वो बहुत क्लेवर होती हैं, वो आपको ऊपर से ऐसे नजर आएंगे कि आप को वो महसूस ही नहीं कराएंगे कि कोई आपके साथ नेगेटिव करेंगे। तो जाहिर है उन्होंने वैसे फायदा उठाना है कि उसने आपको ऐसा पेश करना है, इस तरीके से आपको ऐसा पेश करना है उन्होंने कि वो आप उन पे 100% ये ट्रस्ट करें कि ये शख्स मेरे लिए नुकसानदेह नहीं है, तो फिर आपसे फायदा उठाएंगे, वरना कैसे आपसे फायदा उठा सकेंगे। ये बात है कि जो माइंड पावर जो है उसके अगर हम पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं तो पॉजिटिव वे से आप बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं और आपको ताकत देते हैं। जब आपको डिफिकल्टीज आती हैं लाइफ में, परेशानियां आती हैं, वो ये आपको ताकत देते हैं क्योंकि आप माइंड को पॉजिटिव साइड पर इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको बहुत सा मेहनत करनी पड़ती है। नेगेटिव साइड पे इस्तेमाल करता है तो इजी शायद कुछ चीज मिले, इजी मिले, लेकिन आप माइंड को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पॉजिटिव वे पे हमारे माइंड को इस्तेमाल होती है, हमारी सलाहितों को इस्तेमाल होते हैं, हम हर चीज का ख्याल रखते हैं, इंसान की ख्याल रखते हैं, इंसानियत का ख्याल रखते हैं और हम सलाहितों का ख्याल रखते हैं, हम माशरे का ख्याल रखते हैं, हम अपने यानी अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल, इर्द गिर्द अपनी शख्सियत का ख्याल रखते हैं। तो सब चीज को जब आप कंट्रोल करते हैं, संभालते हैं, उसी में आपकी माइंड पावर इंक्रीज होते हैं, उसी में आपकी माइंड पावर इस्तेमाल होती है।